खराब है, लेकिन हटा तुम्हारी में एक शासकीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षा व्यवस्था इतनी आधुनिक है कि शहर के निजी स्कूल भी इसके पीछे हैं। यहाँ बच्चों को आधुनिक मशीनों के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। रंग बिरंगी दीवारों पर लिखे लेखों, मशीनों और डिब्बों में सजाकर बनाए गए अक्षरों के बीच समूह में बैठे पढ़ना लिखना सीख रहे ये बच्चे कुम्हारी संकुल केंद्र अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक स्कूल खमरिया के विद्यार्थी हैं। यहाँ के शिक्षक अपने काम के प्रति इतने लगनशील हैं कि शिक्षा में रोज नए प्रयोगों और मनोरंजन के माध्यम से यहाँ पढ़ने वाले करीब 85 बच्चों का भविष्य संवारने में जुटे हैं। शिक्षकों ने यहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कई तरह की मशीनें और बॉक्स बनाए हैं, जिनमें हिंदी अंग्रेजी के शब्दकोश, चित्रकला और पाठ्यक्रम का भंडार है। बच्चे खेल के साथ ही मशीनों के माध्यम से भी पाठ का अध्ययन करते हैं और विभिन्न माध्यमों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन सी क्लास पढ़ते हो? चौथी। कौन से स्कूल में? सरकारी। कैसे पढ़ाई होती है तुम्हारे स्कूल में? चित्रकार, हिंदी अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ाई होती है। ये कौन सी मशीन है? इंग्लिश। किसने बनाई है? हमारे सर ने। इससे कैसे पढ़ाई करते हो? सर जी घुमाते घुमाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। क्या निकलता है इसमें से? अंग्रेजी के चित्र। क्या नाम है तुम्हारा? नाम भारती यादव, ग्राम खमरिया। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? खमरिया। कौन सी कक्षा पढ़ती हो? सर चौथी। कैसे पढ़ाई होती है आपके स्कूल में? अच्छी। नहीं तो कैसे, किस तरीके से पढ़ती हो? कौन कौन तरीकों से पढ़ाई करती हो? कार्ड पढ़ाते हैं, इंग्लिश की कार्ड पढ़ा, हिंदी अंग्रेजी की किताब पढ़ा। ये चार्ट किसने बनाए हैं मशीनों में? जो चार्ट बने हैं मशीनों में, ये किसने बनाए हैं? हमारे सर ने। अच्छा लगता है इससे पढ़ाई करना? जी सर। क्या का सीखा है तुमने अभी? हमने सर जी तीन ही चीज की है। खमरिया गांव के इस सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर शहर के किसी निजी स्कूल से कम नहीं है। यहां पदस्थ शिक्षक नियमित रूप से सभी कार्य करते हैं। शिक्षकों के सहयोग से तथा बेहतर शाला संचालन से अपने बच्चों की बढ़ते शिक्षा स्तर से ग्रामीण भी खुश हैं, जिससे वे शिक्षकों के अभिनव प्रयासों की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। प्रेरणा मिली है सर कि मतलब जो मशीन है सर, मशीनों के द्वारा सर बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इससे क्या हुआ सर कि जो सब बच्चे बोलते हैं ना, तो सबके सब बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं। यदि एक बोलेगा तो सब बोलेंगे, वो सामने उनको सामने दिखेगा, सब बच्चे देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि सब बोलने लगते हैं और मतलब इस बॉक्स के द्वारा अच्छा प्रभाव पड़ा है। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? सर यहाँ पर सर 80 बच्चे हैं सर। और कौन कौन से प्रयोग से आप पढ़ाते हैं इसको? सर इसमें क्या है सर, एक चित्रकला चित्र वाली सर मशीन है। इससे क्या होता है सर, बच्चों को चित्र दिखाते हैं तो बच्चे उससे वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। और सर एक हिंदी वाली मशीन है सर, उसमें हिंदी के वर्ड हैं और हिंदी के शब्द हैं जो सर किताबों के द्वारा ही लिए गए हैं और अलग से कहीं से नहीं लिए गए हैं। इससे क्या होगा सर, बच्चे किताब पढ़ेंगे और किताबों के ही शब्द पढ़ेंगे, जिससे उनको किताब पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। इसमें किसी अधिकारियों ने भी सहयोग किया है कुछ मशीनें बनाने में, जो खर्च आया है? दमोह से राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।